मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहिनो सहजायते अद्दो वाब्द सतांते वा मृत्युर्वही प्रणिनां धुवः मृत्युर्जन्मवतां वीरदेहिनो सहजायते अद्दो वाब्द सतांते वा मृत्युर्वही प्रणिनां धुवः गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगतगुरु जी ने बताए जे वास्तव दीक्षा और दीक्षा का बहाना एक नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत शरण शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने बताए वास्तव दीक्षा एन एवं अपेक्षिक दीक्षा एक नहीं है। दिव्य ज्ञान प्राप्ति करना ये दीक्षा का मकसद। जो लोग गुरु ग्रहण करने का बहाने में मेरा पास आया और दीक्षा हो गया ऐसा बोल के चला भी गया, मेरा साथ कोई नाता नहीं, ये लोगों का साथ मेरा क्या रिश्ता है, मैं क्या कर सकता हूँ इन लोगों के लिए। दीक्षा का मतलब जब से दीक्षा का समय है, दीक्षा का समय दीक्षा होने जा रहा है उसका पहले श्री गुरु चरण में वैष्णव का महिमा गुरु का महिमा अनुभव होने के बाद ही दीक्षा का प्रार्थना करे ने प्रे हमको कृपा करके बचाए आदो गुरुपदाश्रय गुरुपदाश्रय उसका बाद कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षाणम दीक्षा आदि मतलब बहुत सारे दीक्षा का प्रोसीड्योर है पद्धति ये सब अनुगमन करना है, सब करना है पालन करना है वास्तव दीक्षा। प्रभात कह रहे हैं कि जो नदी पार करने के लिए एक किश्ती जरूरी है, एक बोटमैन भी जरूरी है जो नाव को चलाए, ऐसा बुद्धि लेके जो गुरु ग्रहण कर रहा है तो उसका वास्तविक गुरु ग्रहण का कोई जो वास्तविक गुरु ग्रहण का जो व्यवस्था ये हो नहीं पाते। नदी पार करने के लिए एक बोट की जरूरी है और एक मैन जरूरी है, बस इतना ही काफी। जन्म मृत्युर जन्म बताम मेरो ये चर्चा होना जरूरी है। वसुदेव जी महाराज असुर कंसों का सामने ये प्रवचन रखा मित्र जन्म बताम विरोधेहन सहजाए थे। जब प्राणियों का जन्म होती है जन्म का साथ साथ भी मौत का भी जन्म हो जाता है, अपना तकदीर अपना पूर्व कर्मफल तकदीर का अनुसार कब जाना है दुनिया से ये भी तैयार होके ही आता है जीव। कभी कभी भजन बल के द्वारा ये जो आयु का वृद्धि ये यूजुअल चीज नहीं, ये स्वाभाविक चीज नहीं है, कभी कभी ये होता भी है। भजन बल के द्वारा कभी कभी किसी का आयु वृद्धि होता है, ये हो जाता कभी आचार निष्ठा ये सब पालन करते करते थोड़ा कभी कभी होता भी है। ऐसा नहीं कि भजन के द्वारा आयु बढ़ाना है, ये नहीं, ये भी गलती भजन है, गलत है। भजन के द्वारा एकमात्र भगवत चरण में शरणागति वास्तव भगवान का सेवा
और उसके बाद अंतिम में ठाकुर जी का नित्य सेवा में जाना, यही विचार है। काल गीता जी का चर्चा होते हुए इधर भगवान वाच तब आए, अस्वच्छान्व स्वच्छस्तम प्रज्ञावादंश भाषसे गतासूनो गतासूंश्च नानु स्वचंति पंडिता। ये भगवान श्री कृष्ण बताए, ठाकुर जी ये बताए, भगवान वाच। वास्तव यहां से ही गीता का प्रारंभ है, यहां से ही वास्तव गीता का शुरुआत देखा जाएगा। ये अनित्य जगत में है, ये शरीरधारी जीव जो है दो दिन के लिए आया और जाना ही है, और जन्म स्थिति वृद्धि अपक्षय विपरिणाम नाश षडविध विकार युक्त है ये शरीर। ये शरीर जो है सर्वविध विकार का साथ जोड़ा हुआ है। ये जगत में कोई भी चीज, ये जगत में कोई भी चीज सारे अनित्य है, नित्य कुछ नहीं है। नित्य एकमात्र है आत्मा, आत्मवस्तु, आत्मवस्तु नित्य है। आत्मा का भी, आत्मा का कभी मौत भी नहीं है, जन्म भी नहीं है, इटर्नली प्रेजेंट, हर वक्त ये रहेगा, इसका कोई विनाश का कोई बात ही नहीं है। और अर्जुन को ठाकुर जी थोड़ा मुस्कुरा के बात किए, क्योंकि अर्जुन का जो कहना है बहुत बड़ा बड़ा विचार, लेकिन ये सब अज्ञान है। इसलिए ठाकुर जी बोले, देखो आप बातें कर रहे हो कि पंडितों को माफी प्रज्ञावादांश भाषा से, और जो चीजों के लिए सोचना नहीं है, सोचना नहीं कर, सोचन जो अनुसोचना नहीं करनी चाहिए, अब उसके लिए पीछे तुम पड़े हो। जिस चीजों के लिए अनुसोचना का बिल्कुल जरूरी है नहीं, ये कोई कभी भी कोई पंडित लोग करते नहीं। जैसे हम शुरू किया मित्र जन्म वताम वीरो देहे नो सह जायते अब्दो बा अब्दो सतांते मित्र वही परिणाम धुबहा। ये जो जो निश्चित जन्म के बाद मौत और मौत के बाद जन्म, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलते आए हैं। शंकराचार्य जी का एक तो बहुत फेमस श्लोक है, आप जानते होंगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। जन्म के बाद मौत, मौत के बाद जन्म, ऐसे ही चलते आए हैं। ये चलता अपना कर्म फल के अनुसार ये चलते आए। ये जो जो ये जो जो मोटा शरीर है, स्थूल शरीर, पांच भौतिक खेती अपो तेज मरुद्भम, पांच भूतों के द्वारा ये शरीर का निर्माण हुई, और इसके बाद भी एक सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको सूक्ष्म शरीर बोला जाए, और इसको कारण शरीर भी बोला जाए। कारण शरीर, कारण मतलब ये कारण शरीर ही कारण है जिसके कारण एक जोनी से दूसरे जोनी को जाना पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कारण शरीर। कारण शरीर को अंतकरण भी बोला जाए। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में सुंदर करके
ये चीज को बहुत सुंदर करके बताए, जय जय हरिनाम चिदानंद इधर है, तब अल्प स्फूर्ति पाए, उग्र ताप दूरे जाए, लिंग भंग हय अनासे। लक्ष्मी ठाकुर जी कहें, तब अल्प स्फूर्ति पाए, उग्र ताप दूरे जाए, लिंग भंग हय अनायासे। जय जय हरि नाम चिदानंद मितो धाम, परतत्व अक्षर या करो, निजोजने कृपा करी, नाम रूपे अबोतरी, जीवे दया करिले अपार। बहुत सुंदर कीर्तन, कोई करते नहीं, सब बिजी है सब बिजी। भक्तिमय ठाकुर कीर्तन में सारे चीज डाल दिए, तबो अल्प स्फूर्ति पाए, पूरा नाम भी आया नहीं, पूरा थोड़ा नाम का गंदगी है, सुंदर अच्छा लगने लग रहा। तबो अल्प स्फूर्ति पाए, उग्र ताप दूरे जाए, उग्र ताप माने रज तम सतगुण का यदि उग्र ताप बहुत क्लेश दे रही है प्रकृति, उग्र ताप दूरे जाए, और लिंगो भंगो होय अनायासे, अनायास माने इजिली, अनायास लिंग भंगो हाय अनायासे, लिंग शरीर का रैप्चर, लिंग शरीर जब तक रहे तब तब कोई सलूशन नहीं। भजन का मकसद ही है पहला, प्रकृति का जो प्रभाव है इसे, इसके बाहर चले जाओ। जो हम उस दिन बताए, रजस तमस सत्येन सत्यं च उपशमेन च एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो हि अंजसा जायत। वास्तव गुरु सेवा के द्वारा, सदगुरु की सेवा के द्वारा ये तो अनायास है, इसके लिए इतना सोच में पड़ गए। और कोई कोई आदमी तो ऐसा सोचता है कि प्रकृति जय हो गया तो महाराज हम तो प्रकृति जय हो गया बस हमारा सिद्ध बन गया। अरे प्रकृति जय हुआ तो मिनिमम चीज है। वास्तविक बात तो ये है कि प्रकृति जय होने का बाद ही सदगुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा अनुगत में रह के हरिभजन का शुरुआत होती है। हैरान की बात है, अरे प्रकृति जय हो गया तो क्या इतना बड़ा हनुमान हनुमान बन गया हम, प्रकृति जय हुआ तो मिनिमम चीज है। प्रकृति जय करना ये तो मिनिमम चीज है, मिनिमम मिनिमम मोस्ट। इसके बाद ही हरि भजन करूं ना करूं, और करूं भी कैसे करूं, गुरु वैष्णव का अनुगत में रहकर इनके कृपा के द्वारा हमारा भजन आगे बढ़े। भजन का शुरुआती यहां से लिंगो भंग है अनायासे। भक्तिम ठाकुर बताए, नामाभास में मुक्ति होता है, जो ठाकुर जी भक्तिम ठाकुर जी ने बताए, तब अल्प स्फूर्ति बा मैंने नामाभास होने से ही, बस नामाभास होने से मुक्ति, मुक्ति मतलब ये प्रकृति का प्रभाव से मुक्ति। मुक्ति का भी गहरा विचार है, और गौरीय विचार के अनुसार मुक्ति का अर्थ है जीवों का जो वास्तव स्वरूप उसी में प्रतिष्ठित हो जाना। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास ही, और यहां जो बताए तो मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति। और मुक्ति बोल के अलग अलग सा विचार उठाया है तो मुश्किल की बात है, गौड़ीय विचार के अनुसार यही है। अंतकरण जो है, अंतकरण का कंस्टिट्यूएंट, अंतकरण एक नाम पड़ गया अंतकरण, सूक्ष्म देह लिंग शरीर का नाम अंतकरण। अंतकरण एक ही है लेकिन फंक्शन का मुताबिक
अलग अलग नाम पड़ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों नाम पड़ गए। ये चार जो है अपना एक ही अंतकरण का अलग अलग कर्म के अनुसार अलग अलग नाम पड़ गया। मन को तुलना किया गया एक एक जलाशय चेतो दर्पण मर्जनम, ये महाप्रभु जी ने बताए, एक स्थिर जलाशय जैसा मन हर वक्त ऐसा है कि किसी भी चीज को देखे, मन मटेरियल है, मन को देखा नहीं जाता लेकिन अनुभव कराया जाता। मन का ऐसा प्रभाव है कि जीवों को अनंत काल बंद करके रखा, बद्ध दशा में, मनो एव मनुष्वानम करुण बंधन मुक्षयो। मन अगर किस चीज को देखे, ये जो देखने का बाद मन अनुभव करता है, मन का विचार बनता है, मन किसी चीज को देखने का बाद विचार बनाता है, और बुद्धि डायरेक्टर है, निर्णय लेता है। मन का कर्म है संकल्प विकल्प, मन का काम ही है ये, मन का काम यही है, संकल्प करो विकल्प करो, संकल्प करो विकल्प, और किसी वस्तु व्यक्ति किसी सिचुएशन को लेके चलते रहते हैं। माइंड कैन नेवर गो वैकेंट, साइकेट्रिस्ट लोग बोलते हैं माइंड कैन नेवर गो वैकेंट, माइंड को खाली नहीं किया जा सकता, लेकिन माइंड को रिप्लेस कर सकता है। माइंड में जो चीज है उसको हटा के नया चीज भरो, अगर क्षमता है तो ये हो सकता। मन का काम संकल्प और विकल्प करना, और बुद्धि डायरेक्टर है, ये संकल्प विकल्प क्या करने चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा विचार जो है वो डायरेक्टर जो बुद्धि है। मतिम सतिम यच्छति वासुदेवे, सतिमति और असतिमति, मन संकल्प विकल्प का काम है वेश्या का माफिक, और ये जो बुद्धि है डायरेक्टर, ये कभी मन जो संकल्प विकल्प लगे हुए हैं इसमें, इनमें से विचार उठाता है बुद्धि, मन बुद्धि। चित्त है क्या, जिस चीज को देखे, ये कैमरा का माफिक, एट्रैक्टिव कुछ चीज देखा तो बस खचा खच तस्वीर ले लिया और उसी को लेके जिंदगी चल रहा है। खूबसूरत लड़की को दे, वो इसी को चाहिए, बस छवि ले लिया। चित्त का काम है जैसे दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम महापू जी ने बताए, और ये दर्पण को उपाय धूली लेप, करदम लेप, वज्र लेप, बहुत सारे विश्वनाथ चकुदी में बताए। भजन का रास्ते पे पहला काम ही है हृदय को साफा बनाना, चेतो दर्पण मार्जनम। धूली लेप है तो अनायास साफा हो सकता, करदम लेप है तो थोड़ा बहुत कष्ट उठाना पड़े फिर भी, वज्र लेप बड़ा मुश्किल, वज्रलेप हो तो उसको तो पोपा जी कह रहे हैं कि इसको हरि कथा का डिनामाइट लगाना है, मारो मारो हरि कथा का डिनामाइट, मार के उसको टुकड़ा टुकड़ा पिघल दो उसको, तभी सिख है। बद्धजीव का अंतकरण में हरि कथा का जो भाव प्रवेश करना बहुत मुश्किल, इसको चार्ज करो डिनामाइट, करते करते तो फ्रैक्चर करके उसको साफा करो, ऐसा करके विश्वनाथ चकुदी में पाजी ने कहे बहुत सारे विचार।
और यह जो है चित्त जो है वो कैमरा का माफिक जो कुछ भी देखा अच्छा बुरा बस उसको खींच लिया तस्वीर बस उसी में उलझ गया। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है ये अहंकार ये भी मेटेरियल है, चारों के चार ही मेटेरियल है। और अहंकार अगर नहीं है तो रिलेशन रिश्तेदार कुछ टिकेगा नहीं। मेटेरियल जो हमारा सागे संबंधी बना के रखे तो मेटेरियल है। अहंकार अगर ना रहे, हम बोल के किछ अभिमान ना रहे तो कौन किसका है, बस यही चीज है। इसीलिए ये मेरा मामा, ये मेरा पापा, ये मेरा दादी दीदा, ये मेरा भाई बंधु स्त्री स्वामी लड़का लड़की, ये अहंकार अगर नहीं रहे तो जड़ वस्तुओं के साथ ये मेरा बाड़ी इतना सारे मेरा संपत्ति का वैल्यूएशन है सारे ये जो है ये सब जड़ अहंकार के द्वारा ही बनता है। अगर जड़ अहंकार ना रहे तो कौन संसार करे। शुद्ध भक्तों का संसार अलग है लेकिन जड़ वस्तु जड़ व्यक्तियों का से संसार है यही तो कारण है। एक मैरिज मरीचिका का पीछे दौड़ रहे इसीलिए संसार चल रहा है। अगर ये न रहे तो इट इज वन काइंड ऑफ बाइंडिंग फोर्स। हमने भाटीना में बोल रहा था बहुत दिन पहले, हाँ जी बताओ क्या बंधन है। कोई रस्सा का बंधन नहीं है, चेन नहीं है, कुछ नहीं है। फिर घूम फिर के वही जगह आना है घर में, ये कैसा बंधन। ना जाने क्या बंधन है, कोई रस्सी का बंधन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई है ना ताला नहीं लगाया, कुछ नहीं है, लेकिन घूम फिर के उसी जगह जाना है। ये एज अ मायादेवी का खेल है, ये मायादेवी का वास्तविक खेल है। मायादेवी खेल खेल में हम लोगों को खिला रहा है ना, खिलौना बना के खेल रही है। वास्तविक पक्ष में आत्मा का साथ प्रकृति का बिल्कुल कोई संबंध है नहीं। आत्म जिसको बोलते हो उसको पुरुष भी बोला है क्योंकि पुरुषाकार है इसीलिए पुरुष। वास्तविक पक्ष विचार से आत्मा का साथ प्रकृति का कोई संबंध है नहीं। हाँ महाप्रभु जी ने भी बताया चैतन्य जो प्रकृति जड़ा प्रकृति अजगल स्थान प्रकृति जड़ा प्रकृति इसमें कोई लाइव नहीं है। लेकिन अनंत काल से प्रकृति और पुरुष आपस में हिलमिल ऐसा करते करते एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर आ गया और अपना या अपना विचार खो बैठा। पुरुष का अंदर में प्रकृति का प्रभाव अर्थात पुरुष प्रकृति को भोग करे एंजॉयर और प्रकृति धीरे धीरे पुरुष के ऊपर प्रभाव फेंक कर ये भी धीरे धीरे ऐसा कर दिया जैसे प्रकृति पुरुष का प्रभाव प्रकृति के ऊपर आप प्रकृति का प्रभाव पुरुष के ऊपर। ये सांख्य योग क्या बड़ा भारी गंभीर विचार। जब तक ये सूक्ष्म शरीर का विनाश हो नहीं पाता तब तक कोई समस्या का कुछ समाधान है नहीं। और अर्जुन अगर सचमुच पंडित है तो ऐसे कैसे बताया पूर्व पूर्व बहुत सारे कथम भीष्म अहम संख्ये उसका बाद पहले बोलता दृष्टेम सज्जनम कृष्ण ऐसा बहुत सारे बातें बताए। सारे समाज व्यवस्था अगर वर्ण संकर जाए तो बहुत सारे चीज बताए लेकिन इसको तो मिनिमम चीज ही पता नहीं है। सर अभी तो लग गया कृष्ण भगवान तो हंसी उड़ाए बोले
तुम इतना बड़ा बड़ा विचार उठाया लेकिन मिनिमम चीज तुमको पता नहीं। मिनिमम चीज यह है आत्मवस्तु कभी क्षय नहीं होने वाली, आत्मवस्तु नित्य है। सत और असत ये जो विचार है ये गाली नहीं है। सत असत का ये जो विचार है इसमें ये है, सत मतलब जो नित्य काल रहने वाला चीज है, अस धातु से सत, अस्ति जो रहता है वही सत है। रहता मतलब नित्य काल रहते हैं, आज है काल नहीं है तो अनित्य ही है। जो नित्य काल रहते हैं इसका नाम है सद वस्तु। आत्मा सद वस्तु है, आत्मा वस्तु सद वस्तु। लेकिन आत्मा वस्तु के बाहर जो कुछ भी चीजें हैं वो सब अनित्य वस्तु है, नित्य नहीं असत है। अर्जुन बहुत सारे चीज बताए, नौ आकांक्षे विजयम कृष्णो नौ च राज्यम सुखानि च, पहले और बताए एतान न हंतुम इच्छामि घ्नातो योपि मधुसूदन, बहुत सारे बड़ा बड़ा बात बता। लेकिन भगवान ने मुस्कान दे के बताए कि देखो तुम्हारा तो मिनिमम चीज ही नहीं है। ऐसा कोई पंडित है जिसका पास ये फीलिंग नहीं है कि आत्मवस्तु नित्य है शरीर अनित्य, ये भावना ही नहीं, विचार ही बनता नहीं, वो कैसा पंडित है? वो कैसा पंडित है जो ये समझता ही नहीं? तो सद असद वाला जो विचार है इसमें यही है। जो चीज नित्य रहने वाला वो तो सद वस्तु, और जो नित्य नहीं है जैसे सुख दुख है मान अपमान है ये सारे तो, और जो ऐसा जो पितामहाभीष्म है या तो द्रोणाचार्य जो है कई भी है, ये जो इसका अंदर में जो आत्मा है ये तो कभी मरने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि आत्मा वस्तु मरता नहीं। हाँ शरीर तो ऐसा आज भी जाना है कल भी जाना है, तो जाना तो है ही है, शरीर तो आज भी जाना है कल भी जाना ही है। कोई किसी का मर्डर करे ना हमको हंसी लगता है, हैं तैने जो उसको मर्डर किया खून किया क्या फायदा, वो तो जाना ही है उसको, आज नहीं तो कल जाना है। ये सोचा कि हमारा नित्य है हम एंजॉय करेंगे हम मस्ती लेंगे, मार डालो उसको, इसका मारने का बात है। तोरा मुत अगर दूसरा घड़ी पर तोरा मुत मौत आ जाए तो मित्र जन्म बताम विरोधी है न सो आ जाए तो मरना ही है। ये जगत में मौत का कोई सलूशन आज तक निकाला नहीं, मरना ही है जाना ही है। सर्वविध विकार जन्मों उसका बात अस्तित्व सत्ता वृद्धि अपचय के क्षय विपरिणाम अनाश इस सर्वविधा जो विकार है ये प्रकृति का ये स्वाभाविक नियम है, इससे छुटकारा किसी को नहीं है नहीं मिलना है। मोह मतलब अज्ञान, मोह मतलब तो अज्ञानी है, तो ये इसी जगह पे वास्तविक रूप से इसी जगह से गीता का वास्तविक प्रारंभ है। इसका मतलब ये नहीं कि विषाद योग आदि जो बताए वो सब बेकार ना, अगर विषाद योग नहीं है गीता का कोई बैकग्राउंड ही नहीं, और दूसरा अध्याय जो है इसी में गीता का सार वस्तु का पूरा संकलन
पूरा गीता में क्या क्या उपदेश है सबका पूरा संक्षेप द्वितीय अध्याय में बहुत बड़ा बढ़िया है। सो भगवसी भगवान वाचो इसमें अस्वच्छंस इधर बताएं जो चीज को सोचना नहीं है सोच अनुसोचना नहीं करनी चाहिए। अस्वच्छन मन व स्वच्छस्तम प्रज्ञावादं सुभाषा से गता सुनो गता सुश्च नानु सचंती पंडिता। ठाकुर जी का ये कहना है कि वास्तव पंडित जो है ये कभी ये सब चीजों में फांसता नहीं। ये सोच तुम्हारा जो अनुसोचना है इतना चिंता है इतना घबराहट है सारे अज्ञान के कारण, क्योंकि जगत में कोई चले जाए कोई जन्म ले इसके लिए पंडित लोग कभी भी अनुसूचना करते नहीं, नहीं करनी चाहिए अनुसूचना क्योंकि अनित्य वस्तु ये तो जाना ही है। ऐसा करके ठाकुर जी धीरे धीरे उन जवान को खोले और पूरा गीता का प्रवचन शुरू किए धीरे धीरे। अर्जुन का दिल में कभी भी वीरता का अभाव नहीं था। हर वक्त अर्जुन वीर ही है, कितना युद्ध किया है कितना कुछ किया है कभी भी डर बोल के कुछ चीज है ही नहीं। कभी भी लेकिन आज ऐसा स्थिति पैदा हो गया कि अर्जुन का दिल में वीकनेस, ऐसा वीकनेस है ऐसा घबराहट है जो अपना गांडीव को भी उठाने का हिम्मत खो बैठा। सारे शरीर हिल रहा है, अपना जवान सूखा पड़ रहा है, सूखा ड्राई हो रहा है, शरीर त्वचा में जलन है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया ये सब सारे अज्ञान का कारण है, कुछ नहीं है। क्योंकि देखो अर्जुन कौन जिएगा बोलो तो, कोई जिएगा? न तु एवा हम या तु नासम न त्वम इमे जनाधिपहा न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। मैं अगर आत्मवस्तु आत्मा पहले कभी नहीं था आज जन्म लिया ऐसा तो नहीं है। हम परमात्मा, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम जो परमात्मा हैं, हम परमात्मा पहले नहीं था आज आया ऐसा तो नहीं। आ तुम हो या तो पितामह भीष्म नरपतिगण जो कुछ भी है, पहले नहीं था आज हुआ अब फिर चले जाएंगे ऐसा तो नहीं। परमात्मा जीवात्मा दोनों ही नित्य है। मायावादी का विचार थोड़ा अलग है, हमारा ये प्रकृति का प्रभाव ये सृष्टि है जन्म मरण है सब कुछ भी जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है। वैष्णव दर्शन मतलब वास्तव दर्शन, इसमें तर्क कोई चांस ही नहीं है। वैष्णव दर्शन का अनुसार ये जो नित्य वस्तु है ये तो नित्य, और इसमें ये जो प्रकृति में सब कुछ चीज दिखाई पड़ता है ये जो संसार है, मायावादी कहते हैं कि संसार संसार है ही नहीं। मायावादी लोगों का विचार संसार है ही नहीं, संसार है नहीं, एक ही वस्तु है ब्रह्म वस्तु, और ब्रह्म वस्तु छोड़कर कुछ दूसरा वस्तु है ही नहीं। एक ब्रह्म ही बना पर रहा, एक ब्रह्म वस्तु ही है और कुछ नहीं है। तो ये जो संसार दिखाई देता मैंने महाराज
ये जो ब्रह्म का विकार है, ब्रह्म का विकार निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, ये ब्रह्म वस्तु तो निर्विकार है, इसका विकार कैसे संभव है? मायावादी लोग सर्पे रज्जु भ्रम, जैसे रस्सी में गलती फहमी है, सांप है, रज्जुते सर्प भ्रम, रस्सी में सर्प भ्रम मतलब एक रस्सी लटक रहा है, रात को आप जागा, थोड़ा जा रहा है बाहर, अब झट से घबरा गया और देखे जो सांप है, ध्यान से देखो तो ना तो सांप नहीं है, तो रस्सी का ऐसा शैडो है, लगता है कि सांप। मायावादी लोगों का ये विचार है, संसार है ही नहीं, तो फहमी है, गलत फहमी है मायावादी का विचार। महापौर नहीं, कैसे गोदर्शन में संसार अनित्य है, संसार का सारी चीजें दिखाई पड़ रहा है, ये आप है, हम है, सब कुछ ये दिखाई पड़ रहा है, क्या ये कुछ नहीं है, भूत है क्या है? कैसा बातें हैं, सब दिखाई पड़ता है, अरे खा रहे हो, जा रहे हो। संत गोस्वामी महाराज जी एक सभा में, शायद बिहाला में, याद नहीं है, बहुत दिन पहले, एक मायावादी उसको निमंत्रण मिला है और विचार बना रहे, वह सब माया है, संसार कुछ नहीं है, एक अद्वय वस्तु ही है, बाकी कुछ नहीं है। संत महाराज चुपचाप देखते रहेगा। अब जब प्रवचन खत्म, तो संत गोस्वामी महाराज जी का अभी कथा शुरू हुई। उसके बाद कथा बोलते बोलते संत महाराज जी अपना डंडा को लेकर वो उसको मारने गया। अरे मार रहे हो, क्या बात है? बोले मार रहे हो क्यों? बोले कहाँ मार रहे, आप क्यों डर गया? वस्तु तो एक ही अद्वय ज्ञान वस्तु, तो कहाँ से आप और हम आ गया, डंडा कहाँ से आ गया, अब मारना पीटना की बात भी कहाँ से आए? वो हंसी उड़ाया, तो आप घबरा गए, झूठा बोल रहे हो, आप झूठा बोले इधर बैठ के। अद्वय ज्ञान तत्व का मतलब ये नहीं कि ये ब्रह्म वस्तु जो है वो तो एक ही है, लेकिन ब्रह्म वस्तु में डाइवर्सिटी नहीं है, ये कैसे बोल सकते हो? और ये कह रहे हो को आप क्यों डर गए हो? अगर एक ब्रह्म वस्तु छोड़कर दूजा कुछ है ही नहीं, एक ब्रह्म ही बना पा रहा, अपर कुट वस्तु है नहीं, तो कहां से आप आया, कहां से हम आया, कहां से डंडा आया, कहां से आपका घबराहट, अब डर गया कैसे? तो आप झूठा बोल रहे हो। दरअसल मायावादी लोगों का विचार ये है कि अद्वय ज्ञान तत्व वस्तु में अगर अब दूसरा एक चीज शक्ति बोल के कोई चीज को ग्रहण कर लिया, तो हमारा अद्वय ज्ञान तत्व का विचार का हानि हो सकता है, क्योंकि दो हो गया, बोलने के टाइम अद्वय बोला, शक्ति बोलकर कुछ चीज है ब्रह्म का, ये स्वीकार करने से वो लोग का विचार है कि हमारा अद्वय ज्ञान तत्व का जो विचार है वो नुकसान हो सकता है, विचार बनेगा नहीं। लेकिन वेदांत सूत्र में तो साफा कह दिया कि शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान अभेद वस्तु है, एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, अचिंत भेदाभेद तत्वों का अनुसार। ये गौड़ीय गगन का गौड़ीय विचार का बहुत गहरा चीज है, अचिंत भेदाभेद तत्व जो महाप्रभु इंडिकेशन दिया। महाप्रभु तर्क दे रहा है कि ये जड़ जगत में अगर काशी वाराणसी में युक्ति दे रहा है, आज जड़ जगत का एक स्पर्श मनी अगर
एक लोहे को सोने में बदल सकता और अपने को कोई अपना कोई पूजी कोई परिवर्तन है नहीं। ये जो स्पर्श मणि अपना बिना परिवर्तन अपने आप में स्पर्श मणि का कोई परिवर्तन तो है नहीं, लेकिन इसका पावर है, इनके पावर है, वो परिवर्तन कर दिया, लोहा को सोने में बदल दिया। महाप्रभु कह रहे हैं कि देखो ये जगत में या ये प्राकृत जगत में, ये प्राकृत जगत में इतना सारे सुंदर व्यवस्था, सुंदर एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ठाकुर जी का बनाया हुआ है जगत में इतना सारे प्रमाण है, क्या ठाकुर जी अद्वैत ज्ञान तत्व तो क्या इतना दुर्बल है, कोई शक्ति है नहीं, निशक्तिक मायावादी मायावादियों का जो ब्रह्म वस्तु है वो निशक्तिक है, शक्ति मानता नहीं। शक्ति मानने से कभी अद्वैत ज्ञान तत्व का हानि नहीं पहुंच सकता, संभव नहीं। एक एक होते ही एक होते हुए दूजा, दो होते हुए एक है, अचिंत भेदभेद तत्व का अनुसार इसका विन्यास व्यवस्थिति। अब आप गलत कह रहे हो, ये अद्वैत ज्ञान तत्व तो मान लिया तो शक्ति बोल के दूसरा चीज को मान लिया तो अद्वैत ज्ञान तत्व तो का हानि है, नहीं हानि है। कैसे? अगर ये जगत में एक स्पर्श मणि लोहे को सोने में बदल सकता, क्या ब्रह्म वस्तु इतना दुर्बल है कि क्या अपने आप को परिवर्तन में डाले? स्पर्श मणि का खुद का कोई परिवर्तन नहीं, क्या ब्रह्म वस्तु इतना तुच्छ वस्तु है? ब्रह्म विकार, ब्रह्म विकारी, अरे ब्रह्म कैसे विकार, जिसका बारे में ब्रह्म संगीत में बताया है, निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजाम जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमाम बजाम, यद ब्रह्म वस्तु है, निष्कल है, निष्कलंक, स्टेनलेस, जद ब्रह्म निष्कल, और इसमें कोई दोष स्पर्श भी नहीं हो सकता। जद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम, अनंत वस्तु है, अशेष, और इसको मायावादी लोगों ने बोल दिया। और यहां जो अर्जुन का जो विचार है ये तो सरासर गलत है। शरीर का जन्म, विद्यमानता, एग्जिस्टेंस, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय और नाश, ये सर्व विकार के द्वारा प्रभावित है ये शरीर, लेकिन आत्मा तो प्रभाव, आत्मा का उपात तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने अभी बताए जब प्रकृति और पुरुष अनंत काल से एक साथ रहने के कारण प्रकृति का जो भाव है, पुरुष का जो भाव है, प्रभाव है प्रकृति में, इसीलिए लगता है प्रकृति का चेतन है। असल में प्रकृति अचेतन वस्तु, पुरुष नहीं है तो प्रकृति का कोई काम ही नहीं, क्या करे। और पुरुष मतलब इसका एंजॉयिंग मूड, इसको पुरुषार्थो पौरुष बोला जाता। ये पुरुष का भी ये दोष है, अनंत काल से भोगने का इच्छा, प्रकृति देखे, प्रकृति को देखे तो भोगने का इच्छा होता है। किसी का अंदर में, या लड़का लड़की ये कोई बात नहीं, किसी का अंदर में आत्म वस्तु है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आत्म वस्तु। और जनाना मर्दाना किसी का भी शरीर प्रकृति से बनाया हुआ है, फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, यह प्रकृति का जो
पांच वस्तु है, पांच वस्तुओं से बना हुआ, ये खेती अपोतेज मरुद्भोम। और शरीर पकड़ने का बाद अपना अभिमान में बैठ गई, हम लड़की है, और ये अभिमान में बैठ गया कि हम लड़का, बस दोनों में अट्रैक्शन हो गया। बस पुरुष ये भी प्रकृति अर्थात जनानी का शरीर, ये भी प्रकृति है, ये पुरुष ये प्रकृति को भोग करे, और जनानी सोचती है कि इसको भोग करे। ये पुरुष का जो शरीर है, जना जना मर्दाना का जो शरीर है, ये भी पांच भौतिक सही ढंग से विचार किया जाए, आत्मवस्तु एक दूसरे को कैसे एंजॉय करे। निर्मल आत्मवस्तु जो है, चेतन वस्तु जो है अंदर में, इसका तो कोई दो शरीर मारा गया, दो शरीर स्वामी स्त्री दोनों में से आत्मवस्तु निकल गए, आत्मा एक दूसरे का क्या पहचान है, आत्मवस्तु है ये तो, जड़ शरीर का अंदर लिंगों का भेद, लेकिन ऊपर जाए तो आत्मवस्तु है, आत्मा गुणात अलग बात। इसीलिए ऐसा विचार है कि पुरुष और प्रकृति अनंत काल एक साथ रहने के कारण, एक का प्रभाव दूसरा दूसरे में संचालित होने के कारण बड़ा उल्टा हो गया, तारे तमाम दुनिया एक दूसरे को भोग में लगे हुए हैं, इसको भोगो इसे एंजॉय करो। अरे क्या भोगे, क्या एंजॉय करे, खाओ पियो जियो ये फॉर्मूला है, ये भोग की। अभी भगवान श्री कृष्ण कह रहा है कि देखो न तू एवा हम या तू नासम न त्वम नेमे जनाधिपः जनाधिपः न चैवो न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हम जो परमात्मा हैं ये पहले नहीं था, आज आया, ऐसा नहीं। और तुम जो अर्जुन और ऐसा नर नरधिपः नरपतिगण, ऐसा कभी समय पहले नहीं था जिसमें ये नरपतिगण कभी भी नहीं थे, आ नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। आत्मा परमात्मा दो वस्तु का ऊपर ध्यान दो अर्जुन, आत्मा वस्तु नित्य है, तुम्हारा विचार जो है अनित्य वस्तु का ऊपर। पंडित का माने ही ये है, कहल काल भी ये बताया था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन उद्धव जी को कह रहे हैं कि पंडितो बंध मोक्षविद, जो पंडित है किसी में बंधन किसी में मुक्ति, ये सब विचार उसका पक्का पता है, तभी ये पंडित है। पंडितो बंध मोक्षविद, पंडित है और मालूम ही नहीं है कैसे बंधन है, वो कैसा पंडित है, पंडित नहीं वो पोंगा पंडित है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनाम एक बहुनाम जो विदधाति कामान इत्यादि, जानते हो श्लोक, पांच सात दिन पहले चर्चा की। ऐसा करके देखा जाए तो शरीर का अंदर में जो कारण शरीर है, ये कारण शरीर इसको इसलिए बोला गया कि ये एक जोनी से दूसरा जोनी जाने के लिए कारण बन जाए। तात्पर्य यह है सर्वेश्वर परमात्मा के मापिक तमाम जीवों का त्रैकालिक सत्या जरूर है, तमाम जीवों का। मायावादी का विचार है कि ब्रह्म वस्तु आत्म वस्तु जो बोल रहा है ब्रह्म वस्तु ये एक है, वो लोगों का विचार है एक आत्मावाद, अर्थात एक ब्रह्म वस्तु ही असंख्य प्रतिबिंब के रूप में
अपना गलत फहमी, संसार में संसार है ही नहीं, संसार बोल के कुछ चीज है ही नहीं तो संसार कहां से, ऐसा मायावादी का विचार, एक्स मिशन वाई मिशन का विचार है, अमुक देवी ये हंस सब ये विचार वाले हैं, सब मायावादी, आनंद वाले हंस वाले देवी वाले सब एक्स वाई मिशन का सारे मायावादी, ये विचार है। आसमान में सूर्य वस्तु है, सूर्य भगवान, और यहां जल का पात्र रखा गया बहुत सारे, 100, 200, 500, 1000 पानी का पात्र रखा गया, ये लोगों का विचार है, हमारा विचार नहीं। ये कह रहा हूं जैसे कभी भी आपका साथ कोई मायावादी का दिखा हो सावधान हो जाना, ऐसा हिम्मत आप में नहीं है, मायावादी का साथ खाओ पियो उठो महाराज सब चलता है, क्या है क्या है, ये तो महाराज कोई कह रहे एडजस्ट नहीं कर सकता, छागल कहीं का। अरे एडजस्ट किसको बोला जाता है, एक बदमाश उदम वाले हैं वो घटिया काम में लगे हुए हैं, सोसाइटी का सत्यानाश कर रहे हैं, वो सब चलता है, अब महाराज चलने दो, एडजस्टमेंट चाहिए, क्या एडजस्टमेंट, तुमको आज तक क्या बताया गया है वो मायावादी ने, मैं तो जानता हूं, देखो प्रभु जी हम तो सब सेवा अकेला नहीं कर सकता, हमको तो कराना पड़ेगा, अरे तू फैक्ट्री का मैनेजर है छागल, तू भक्त बन जा, तेरा अंदर में पावर हो, तू सब स्वयं सब सेवा करेगा सब, पागल चलने दो, अरे चलता है सब ठीक है, मायावादी का विचार है, शुद्ध भक्ति में ऐसा नहीं है। महाराज एडजस्ट नहीं कर सकता कैसे, क्या विचार है, पोपा जी ने ये बताया, दो दिन के जिंदगी में सब सब आप एकदम आपस में एडजस्ट करके रहने, इसका मतलब क्या है कल बताएंगे हम, सब झूठा कहेगा उल्टा बता रहे। एडजस्टमेंट मतलब ये नहीं कि है भक्ति विनोदपुरी किसी महाराज तुम्हारा माफी उदमबाजी शुरू कर दे सब छोड़ के, अरे एडजस्ट नहीं कर सकता, अरे छागल मायावादी उल्टा सीधा बात कर रहे, बुद्धि खराब है। मायावादी का विचार है ये आनंद, किसका आनंद, विवेक का, कौन जाने, ठाकुर जी जाने, अविवेक का, हंस है देवी है सारे एक ही विचार है लोगों का, क्या विचार है, भले हजारों पानी का पात्र रख दे और रख दिया, अब फिर क्या, भले एक एक घट में देख, बोले हाँ देखा, क्या देखे, भले देख एक ही सूर्य का प्रतिबिंब गिरा कि नहीं, बोले हाँ गिरा, हाँ उस घट में देख, वो देख अलग सा गिरा, तो ऐसा ही है, वाह सुंदर विचार, गीता भागवत सबको फेंक दो, देखे उनका विचार, ये लोग तो यही विचार करता है, ये लोगों का गीता प्रकाशन होता है सारे, अरे गीता तेरे को स्पर्श करने का कोई अधिकार नहीं है, गीता स्पर्श करने का अधिकार नहीं है मायावादी का, कैसे स्पर्श करे, कहां दिखाया मायावाद है, कहां दिखाया मायावाद है, दिखाओ है, को दो चार श्लोक को चुन लिया, आज चुन के बोला देखो ये मायावाद है, हिम्मत ही नहीं है मायावाद को स्थापन करे, ये तो हम लोग उल्लू है इसलिए स्थापन कर रहे हैं, और क्या कोई है, कोई सब लगे हुए हैं पॉलिटिक्स में, किसी का पास समय नहीं है, तो अलग अलग पानी के अंदर में सूरज का जो प्रतिबिंब ये दिखाकर ये लोग का कहना क्या है, ये जगत में ब्रह्म वस्तु एक आत्मोवाद, इसको बोलता है एक आत्मा बात, आत्मो वस्तु एक है, आत्मा एक है, ये ब्रह्म वस्तु है वो भी डिफरेंट डिफरेंट माया का अंदर प्रतिबिंब होकर अपने अपने को, कहां प्रतिबिंब है महाराज, आप है हम है वो है सब है, सारे दुनिया बैठा हुआ है सब बेकार, कुछ नहीं है, संसार है ही नहीं, वाह सुंदर दार्शनिक विचार।
पागलपंथी, ये मायावादी का विचार। और ये अर्जुन याददास खो बैठा, इसको याद ही नहीं है, नित्य नित्यानम चेतनो चेतनाम एको बहु नाम जो विदधाति का सब भूल गया क्या। नित्यो नित्यानम जितना सारे नित्य वस्तु है, आत्मा आत्मा वस्तु है, आत्मा है, इन सब आत्मा का जो मूल वस्तु है। नित्यो नित्यानम मतलब नित्यानम अर्थ जितना सारे आत्मा वस्तु है, चेतन वस्तु है, इन सभी का मूल चेतन नित्यो नित्यानम अश्चेतन अश्चेतनानम। डबल कंफर्मेशन किया नित्यो नित्यानम, ये बोलने से है अश्चेतन अश्चेतनानम, जितना सारे चेतन वस्तु है, जितना सारे चेतन है, इन सभी चेतन का रूट कॉज एक ही है। और हमसे ही सारे ठाकुर जी की कह रहे कि ये सारे जो चेतन वस्तु है कहां से आए, कहां से आए, कहां से, बोले एक ही जगह है, एक ही जगह है आत्म वस्तु भगवान जो है। नमई वंश जीव लोक जीव हो तो सनातना। और मायावादी विचार में ये बनता है ममई, तो बोला ठाकुर जी बताए कि ममई वंश जीव, तो ममई वंश मतलब क्या है। ऐसा भी पागल है दुनिया में, वो सोचते कि ममई वंश जी बोले मानो भगवान का अंश ही तो है। अंश मतलब क्या है, कोई सुनता ही नहीं हरि कथा। हरि कथा कहां सुनता है, कहां सुना, कौन सुना हरि कथा बताओ। जो सुना है उसका पागलपंती अब भी है, वो कैसे हो सकता, सब नाटक बनाओ, स्टेज बनाओ, नाटक बनाओ। अरे तुम पहले आप समझो, उसके बाद दूसरे को समझाओ, समझाने जाए बड़ा आया कृपा करने वाले। यहां विचार है मामई वंश जीवो लुके जीवो, तो सब इसी में, किसी को पूछो तो बोले महाराज भगवान का अंश है, भगवान का अंश, मैं भगवान का अंश, मैं भगवान का अंश। अब भगवान का अंश बोलने से क्या समझते हो तुम, भगवान को टुकड़ा 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 करके अंश बनाया क्या, और क्या भगवान को टुकड़ा टुकड़ा करे, बेसिक कंसेप्शन ही नहीं है गौड़ीय दर्शन का। भगवान का चरण से एक धूलिकणा भी है, ये भी पूर्ण वस्तु है। भगवान का एक एक हिस्सा अगर है, ये भी पूर्ण भगवान है, ये जानता ही नहीं। भगवत वस्तु का क्या विचार करने, क्या विचार कर, भगवान का कोई भी अंश है, भगवान का एक उंगली है, वो भी भगवान है, पूर्ण वस्तु का कुछ भी हिस्सा पूर्ण, तो ऐसे कैसे। जितना सारे जीव होता है कि पूर्ण वस्तु है क्या, तो कैसे व्याख्या हो सकता। तो हम तो यही सीखा, तुम तो यही सीखोगे मायावादी गुरु का पास, तुम भी मायावादी, तुम्हारा गुरु भी मायावादी, तुम्हारा सिचुएशन भी मायावादी है। निकलते चलो जिंदगी भर अनंत काल हरि कथा हरि कीर्तन करते चलो, कोई छुटकारा नहीं। ऐसा हरि कथा का क्या कीमत है जिसमें कोई चेतना का विकास ना हो, वैराग्य का पैदा ना हो, गुरुचरण में लगन ना लगा हो। ठाकुर जी का कोई चिंतन नहीं है, क्या इस दिखावे क्या है, वो एसोसिएशन सत्संग क्या है, तो असत्संग है। तुम सत्संग का नाम जोड़ दिया बैनर में, सत्संग का हो सत्संग, तुम सत्संग करो, पहले दिखाओ तुम सत्संग किया, सत्संग का महिमा। पहले हम सत्संग विचार किया इनेविटेबल अमोघ, तो कहाँ है ये सत्संग का बैनर लगा दिया, तुम असत्संग का अरेंजमेंट किया। आओ आओ आप भी बोलो, यही वो भी बोलो, जहाँ की जीव गोस्वामी पद निषेध कर दिया, ये लोगों का लिए वैशासन नहीं है, धक्का मार के निकल दो, धक्के मार के निकल दो, ये लोग का जगह नहीं है। ये जीव गोस्वामी पद बताया, निषेध कर दिया, वक्ता सरागो निरागो द्विविधो परिकीर्तिता, सब आशा आकांक्षा लिए लेके प्रवचन करने बैठे है।
अपना मंगल में हो नहीं सकता, दूसरे का मंगल कर दिया, बड़ा भारी। मामैव अंशो का मतलब ये नहीं कि ठाकुर जी को टुकड़ा टुकड़ा करके अंश बना दिया। इसका माने ये है भगवान का जो शक्ति है, शक्ति में चित शक्ति, जीव शक्ति और महाशक्ति। जीव शक्ति जो है भगवान का, जीव शक्ति बड़ा, जीव तत्व का बारे में बहुत चर्चा हुआ और किताब भी निकल रहा है, तमाम प्रमाण देखे। वेदांत सूत्र में जो शक्ति शक्ति मतोर अभेद, वेदांतों में जो बताया गया शक्ति शक्ति मतोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है। अचिंत भेदावेद विचार के द्वारा, सिद्धांत के द्वारा जो शक्ति है वो शक्तिमान शक्तिमान। इसमें अद्वैत ज्ञानता, अद्वैत ज्ञान तत्व का कोई विनाश हो नहीं सकता, अद्वैत ज्ञान तत्व का कोई नुकसान हो नहीं सकता। लेकिन इसमें एक सुविधा है कि वो जो जीव, अभी सिद्धांत तो आया, भगवान का जो शक्ति, शक्ति का अंश है भगवान का जो जीव शक्ति है, ये अनंत प्रभावशाली, इनमें से अनंत 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 कटी जीव निकल सकता है, फिर भी डेफिशिएंसी नहीं है। मैं चेकोस्लोवाकिया के मदन गोपाल बोल के पहले उसको लाया भी था मैंने एयरपोर्ट से, तीर्थ महाराज जी के कहने से, सब कोई को पहले, आप तो वो लोग करता है, हम तो कुछ भी नहीं है। तीर्थ महाराज जी इतना कोरोना में मेरे को सेवा दिया करते थे, बोले महाराज आधा रास्ता में उसको मोल्ड कर दो, आते आते हरिकथा सुनाते सुनाते बस मोल्ड हो गया आधा, अल्लाह के तीर्थ महाराज जी के चरण में फेंक दिया। बड़ा सौभाग्य है हमारा, ये सब संत महात्मा का संग मिला। अब नहीं मिलता होता तो हमको भी क्या हालत हो, कुछ कहा नहीं जाए। जो भी है देखो, ये कभी एक प्रश्न किया कलकत्ता मठ में, चैतन्य गौरी में बैठे हुए, पहले तो बहुत सारे किताब का काम कलकत्ता ही में, कलकत्ता प्रेस में, कलकत्ता में, तो उस समय हमको एक प्रश्न किया महाराज, क्या जीवात्मा का नया नया प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है, जीवात्मा का नया नया आविर्भाव होता है, क्यों ऐसा होता है? हमने पहले बोल दिया ऐसा कैसे, इससे कैसे मुझे इतना जीवों से नया नया प्रोडक्शन होता है? नहीं, जीव सब नित्य है, जीव सब इटर्नल। ये प्रश्न कहाँ से आया? जब फिनाइट कंसेप्शन है तभी ये प्रश्न आएगा, जीवों का डेफिशिएंसी होने का, जीवों का संख्या कमती हो जाए फिर प्रोडक्शन, ऐसा लिमिटेड कंसेप्शन तुम्हारा है, फिनाइट कंसेप्शन है, इसलिए प्रश्न किया, नहीं तो प्रश्न करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जीव अनंत है, जीव अनंत काल अनंत है, अनंत मतलब अनएंडिंग, ये कोई समझता नहीं, सब फिनाइट कंसेप्शन। तो ममई वंश जीवो रोके, इसका मतलब है भगवान का जो जीव शक्ति है, शक्ति का अंश है चित्तक, ये जो जीव शक्ति का टोटल नहीं है, जीव शक्ति का अंश है, तो ये पक्का सिद्धांत तो है, लेकिन कोई समझे तब ना समझाया जाए। जो समझने का जिसका अंदर में कोई इच्छा ही नहीं, वो किसके कैसे समझाया जाए? सब समझ गए, जो समझ के बैठा वही समझ के बैठा, वही ठीक है, वही हम ही ठीक है। ऐसा करके अभी विचार ये है कि अर्जुन का ये जो विचार है सरासर गलत है। क्यों? तात्पर्य ये है, सर्वेश्वर परमात्मा का मापिक, सर्वेश्वर परमात्मा का मापिक, परमात्मा का रूप से कौन रहता है महाराज दिल में, हृदय में? वो ओ महाराज रहता है खिरद गोसाई विष्णु, परमात्मा का रूप में हर घट घट में बैठे हुए और बैठ के साक्षी, ये विटनेस है, साक्षी ले रहे हैं कौन क्या कर रहा है।
ऐसा करके विचार करके देखा कि देखो ये जो परमेश्वर परात्पर अखिलेश्वर परमात्मा का रूप में जीवों का अंदर में है और जीव समूह जितना सारी जीवात्मा ये भी त्रैकालिक सत्ता है और भूत भविष्यत और वर्तमान का बैकग्राउंड पे ये निराधार नहीं है, आधार है। भूत भविष्यत और वर्तमान का आधार पर ये नित्य घोषित किया है। घोषित मतलब है जरूर, इसलिए नित्य है। अगर जीव समूह नित्य है तो आत्म विषयक कोई चीजों में तुमको शोक करना उचित नहीं होगी। ऐसा करके धीरे धीरे विचार करके अगर देखे तो आत्मवस्तु और मायावादी लोग क्या करते हैं, नेति नेति नौ इति नौ इति, ये आत्मवस्तु ने ये आत्मवस्तु ने कोरते करते यहां तक कि ठाकुर जी को भी काट करके फेंक दिए। ये भी अनात्म वस्तु है, ठाकुर जी का शरीर। तीतो महाराज जी कहते थे, बड़ा मजेदार कहानी हमको याद है, गुरुवर्ग के सुना है गुरुवर्ग से, पहले गौरी मठ में एक बड़ा मनवाड़ी आते थे, बड़ा धनी और बड़ा विनम्र भाव दिखाते थे। महाराज सुबह में आकर मंदिर का परिक्रमा और सब करके और फिर जाए अपना काम धंधा शुरू करे, बिजनेस अच्छा हो। और हर रोज आते थे आरती दर्शन ये सब करके, और ना जाने इसका क्या भाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती तो यहाँ तक बताए कि साधु संग 20 साल कर लिया 20 साल, फिर भी अभी तक भी गुरु ग्रहण का कोई विचार नहीं आया दिल में। विश्वनाथ चक्रवर्ती नहीं, वो सत्संग किया ही नहीं, सत्संग का बहाना, ये सत्संग किया ही नहीं। बोल कैसे किया नहीं 20 साल, बोल किया नहीं, ये असली सत्संग है ही नहीं। सत्संग होने का ये सिंटम है, सत्संग होने का साथ साथ ही ये विचार दिल में बैठ जाता है कि मेरा जिंदगी क्या होगी, मेरे को गुरुचरण आश्रय करना जरूरी है। अगर गुरुचरण आश्रय करने का कोई मैं जो विचार नहीं बनता हृदय में, महसूस नहीं होता है ये गुरु ग्रहण करना करनी चाहिए, तो इसका सत्संग हुआ ही नहीं। सत्संग का ये प्रभाव है, सत्संग मतलब जरूर इसका अंदर में परिवर्तन होगी। ये रोज आत और ब्रह्मचारी लोगों को बहुत सारे प्रणाम आदि करके कहते थे, आप लोग सौभाग्यवान है, सब छोड़ के आ गया सब कुछ, ये देखो हैं, ऐसा करके बोलते थे। हम तो एक, अरे महाराज आप भी कम नहीं आप आते हुए, नहीं हम कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसा विनम्र भाव प्रकाश करते थे। तो एक दिन ब्रह्मचारी उसको शिक्षा देने के लिए ये बताए, और रोज ये कहते हैं महाराज आप बड़ा त्यागी हो, कैसे सब छोड़ के आ गया, मठ में रहते हो सेवा करते हो, वाह हम तो कुछ नहीं। अब ब्रह्मचारी कहते महाराज आप त्यागी हो, अरे हम त्यागी नहीं, नहीं नहीं हम कहाँ त्यागी, हम त्यागी नहीं, आप त्यागी हम प्रमाण कर देंगे। आप प्रमाण कैसे करोगे, हम त्यागी नहीं है महाराज, हमसे भी आप बड़ा त्यागी है। कैसे त्यागी है, बोले हम तो छोटा मोटा विषय को छोड़ के आया है मंदिर में, लेकिन आप सबसे बड़ा जो विषय है भगवान है उसको ही छोड़ के रख दिया, तो आप तो सबसे बड़ा त्यागी हो, दिखावा नंदवत करने आते हो। चुप हो गया, दिखावा दंडवत करे, थोड़ा परिचय हो जाए समाज में भक्त बोलकर, भक्त जी बाकी तो मायावादी है, वो कुछ नहीं है अंदर में, विचार ही नहीं कुछ, भक्ति भगवान और भक्तों का कोई विचार ही नहीं है, तो क्या है वो मायावादी लोग सबसे बड़ा त्यागी है। सचमुच
मायावादी लोग सबसे बड़ा त्यागी है क्योंकि वो भगवान को ही छोड़ के रखा है। हम तो उतना बड़ा सो छोड़ नहीं सके, सबसे बड़ा त्यागी तो आप ही हो, भगवान को ही छोड़ दिया, जो सारे तमाम चीजों का मूल है उसको ही छोड़ दिया, बड़ा बढ़िया त्यागी है, बड़ा त्यागी हो। तो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विचार करके दिखा रहे हैं ये आत्म विषयक वस्तु के लिए सोचना अनुसोचना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि परमात्मा का मापिक जीवात्मा भी नित्य है, इसमें कुछ मरुभूमि में तेज तत्वों की विकार के कारण मरुभूमि में पानी का बात हमने बताया, जलभ्रम, यह पानी है लेकिन वह पानी है ही नहीं, ऐसा करके विचार करके देखो तो ऐसा सुबह में सूरज पूर्व दिशा में लगता है कि पानी का अंदर से उठ रहा है, समंदर में जाओ देखने के लिए पूरी प्रातः काल सूर्य उदय जो है बड़ा अनोखा लगता है कि पानी का अंदर से निकल रहा है, सच में तो ये पानी का अंदर से नहीं निकल, और अस्त्र जाने का टाइम में भी ऐसा करके चल। इसका माने तो ये नहीं कि हर रोज सुबह सूर्य का जन्म होता है और शाम ढलने से मर जाता है सूर्य, ये तो नहीं है। हर रोज एक नया सूर्य पैदा होता है और रात को सूर्य मारा जाता है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही आत्मा वस्तु आत्मा जो है कभी शरीर प्रकार के तुम्हारा सामने पहुंचे तो ये मेरा लड़का है, मेरा भाई है, बंधु है, मेरा बीवी है। जब शरीर से होकर चले जाए तो उसका ठिकाना कहाँ है, कहाँ जाओ ढूंढने, अब ढूंढने कहाँ जाओ। हमारा मथुरा में एक छोटे लाल बोल के एक है, अनोखा साधु है, तो अनपढ़ है लेकिन बहुत अच्छा, वो भूतेश्वर में रहते हैं कृष्ण बलराम मंदिर, और उसका गुरुजी भी गौड़िया मठ के ही है, शरीर छोड़ दिए बहुत पहले, आज से 20-25 साल हो गया, अरण्य महाराज। और एक दफे अरण्य में आया, बहुत दिन का बात है, तब तो मथुरा सन्नाटा बहुत सुंदर, एक 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 चौतारा में बैठकर नम कर रहा है, वो भी भूतेश्वर का सामने, और ये पागल क्या है, घूमते घूमते एकदम परेशान होके पहुंचा और एक संत को देखा तो दंडवत कर दिया, महाराज भी आशीर्वाद कर दिया। महाराज उसका हालत देख के समझ पाया, परेशान है, खाया पिया नहीं, बीमार भी है। अब महाराज कह दिया कि ये काम करना, कहाँ जाना है, यहाँ रह जा मेरा सा। अब वो कहना शुरू दिया, महाराज यहाँ शांति मिलेगी, बोला यहाँ ही तो शांति मिलेगी, कहाँ मिलेगी, शांति तो यही जगह है, अच्छा तो हम रहेंगे। उसका बाद दो दिन रहने के बाद कहाँ मेरा शांति, मतलब इसका कहना है कि ये बचपन में इसको शादी हो चुका था, इटावा का लड़का है और बीवी मारा गया, समझो कि इसका साल 12-14 साल और पत्नी 8 साल, पहले तो ऐसे ही जमाना, और बीवी का नाम शांति, वो मर गई, मर जाने के बाद तो पागलपन थी, एकदम पागल बन गया, घर वहां छोड़ के कहाँ कहाँ चला गया, और घूमते घूमते मथुरा, यही तकदीर। और मथुरा में आके भूतेश्वर के सामने महाराज जी को चौपतारा में देखा, महाराज जी उसका हालत समझ गए, और डॉक्टर भी थे, महाराज जी का जानकारी था, दवा कराया। महाराज बोले देखो इधर रह जा, कहाँ जाए, बोले मेरा शांति मिलेगी यहाँ, अरे हाँ यही तो शांति मिलेगी, वो समझा कि मेरा बीवी शांति, महाराज बोला कि शांति पीस, बड़ा
बड़ा सुंदर। उसके बाद तो जिंदगी जीवन जिंदगी दे दी। गुरु जी का चरण अभी भी जिंदा है कि नहीं, मैं बहुत दिन मेरे जाने का भी ऐसा ही है। आदमियों का जो गलत कंसेप्शन है इसको हटानी चाहिए। हर रोज नया सूर्यो, हम आसमान में हर रोज नया सूर्यो नहीं आता। आसाम को नहीं मारा जाता, एक ही वस्तु, लेकिन हमारा आंखों का ऊपर पर्दा हो जाता। एक खंड मेघ, ये क्लाउड जो है, मेघ जो है, वो आके सूरज को ढक दिया कि मेरा आंखों को ढक दिया, क्या है ये? बोले सूर्य जो नहीं है, अभी चला गया। जैसे कुरुक्षेत्र क्षेत्र में है ना, है ठाकुर जी का इच्छा से अचानक मेघ छा गया और सोचा कि सब सोचा कि ये अंधेरा छा गया, और बस तीर उठाया मर दिया। लेकिन बाद में कह रही सूरज निकल गया, ओ ये ठाकुर जी का इच्छा। अर्थात सूर्य को ढाकना संभव नहीं है। सूर्य को आप ढाक दोगे ये कैसे संभव है? सूर्य का वॉल्यूम क्या है? सूर्य का जो मेजरमेंट देखो, पागल हो जाओगे। असली बात तो ये है कि एक खंड में आके मेरा आंखों का ऊपर पर्दा डाल दिया और हमको लगने लग गया कि सूरज मारा गया, लेकिन ये नहीं। असली बात तो ये नहीं। ऐसा करके विचार किया जाए कि नित्य वस्तु, अप्राकृत वस्तु, तत्व वस्तु, अध्याय ज्ञान तत्व हर वक्त मौजूद है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता। हमको इसलिए नहीं दिखाई पड़ता कि हमारा आंखों का ऊपर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। जब माया का पर्दा हट जाए गुरु जी का कृपा से, तो सारे के सारे सब कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या कुछ नहीं दिखे? ऐसा ही विचार बना के धीरे धीरे सोचनी चाहिए कि देखो श्रुति में भी बोला परमात्मा जीवात्मा से नित्य पृथक है, लेकिन कोई कोई बोलता है ना एक है, जैसे मायावादी लोग। जीव अनुचैतन्य ईश्वर विभु चैतन्य, जीव अमृतत्व को प्राप्त कर सकता। जीव जो है यह असंभव नहीं कि अमृत को प्राप्त कर ले, अनुचैतन्य है। और विभु चैतन्य भगवान है। क्वालिटेटिवली गुणगत विचार किया जाए तो चेतन वस्तु जो है चित्कन जीव, ठाकुर जी भगवान का विभु चैतन्य का साथ क्वालिटेटिवली गुणगत विभाग किया जाए एक ही है। सिर्फ इतना ही है, ये कम है, कमजोरी है, इसका अंदर में चिदबल नहीं है। हम पहले ही बोला चिदबल जो है ये कम है। चिदबल कम होने के नाते कि कम होने के कारण हर हालत में माया का प्रभाव का अंदर आ सकता, वशीभूत होने का योग्यता है। माया का धारा वशीभूत हो जाए, पावर कम है चिदबल, और हम लोग कीर्तन करते कृपा करो प्रभु दिया चिदबल, हे प्रभु चिदबल दे के कृपा करो। चिदबल कहां से मिले? चिदबल का मतलब क्या है? चिदबल का मतलब क्या है? चिदकल चिदबल का मतलब क्या है? कृपा करो बहु चिदबल मतलब कृपा, कृपा करो बहु दिया चिदबल, चिदबल भक्ति करने का पावर, जीवों का अंदर में पोटेंसी है, लेकिन इतना क्षुद्र है, इतना क्षुद्र है कि अपने आप सेवा में लगे ये संभव होता नहीं। गुरु वैष्णव के कृपा के द्वारा ये संभव है।
कभी भी अपने आप भक्ति करने लग गया। हाँ ये हो सकता है कि पूर्व जन्म में गुरु ग्रहण हुआ, भजन भी हुआ, को थोड़ा सा गलती हो गया, बस ठीक। इसका अंदर में ये प्रभाव देखा जा सकता कि महाराज दिखा भी लिया नहीं लेकिन अंदर में इतना सुंदर भाव है, क्या कैसे ये हो सकता। जैसे प्रहलाद महाराज जी का बाहरी दृष्टि में कोई दीक्षा नहीं भाई, और अंतर्दृष्टि में देखो तो नारद जी महाराज का पास गर्भ में, मातृ गर्भ में रहते समय ये भगवत तत्व विज्ञान का तो उपदेश मिल गया, यही तो दीक्षा है। बाकी संडो अमर के पास जा, संडो और अमरको के पास जाओ, क्या शिक्षा ले? असली शिक्षा तो भगवत तत्व विज्ञान तो हो गया। ऐसा करके देखा जाए तो जीवात्मा जो है अनुचैतन्य और भगवान विभु चैतन्य, लेकिन क्वालिटेटिवली गुणगत हिसाब से एक है। कृपा करो बहु चित की दिया चित चित बल जो है ये एकमात्र गुरु वैष्णव के सारे के बिने बिना, गुरु वैष्णव को कृपा के बिना ये मिल नहीं सकती। कृपा करो बहु चित दिया चित बल, चित बल मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, गठनगत वैचित्र। इसमें लिखा हुआ है कि हम अनंत काल ठाकुर जी का ही दास है, लेकिन दास है तो क्यों नहीं सेवा कर रहे हो? दास है तो क्यों नहीं सेवा कर रहे? करो सेवा। बोले महाराज यही तो मुश्किल है, दास है लेकिन फिर भी सेवा नहीं कर सकता, क्यों? जीवेर स्वरूप है कृष्ण जितो दास, तो पढ़ा है लेकिन सेवा नहीं कर रहे। ये तो ठीक है, विचार ये है जीवे स्वरूप है कितने जिससे दास, ये झूठा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका अंदर में दासत्व का अनुभव जो है ये खो बैठा है। यही कारण है पिता से पुत्र खो गया बहुत दिन, एक मेले पे गया कहां से पुत्र गाय, पुत्र नहीं है, रोते रोते पिताजी घर आए, मिला ही नहीं वो पुत्र, कौन उठा के ले गया कहां? इसका मतलब तो ये नहीं है कि पिता पुत्र से अलग हो गया, दफा हो गया। इसका मतलब तो ये नहीं कि पिता और पुत्र का अंदर में जो संबंध ज्ञान है, पिता पुत्र तो है, पिता का पुत्र अगर नहीं है तो पिता में पितापन, पिता हम पिता है, ये अनुभव कहां से आ सकता? और ये मेरा लड़का था अभी खो गया, ये रिश्ता जो है ये भी गायब नहीं होने वाला। लड़का तो खो गया ठीक है, लेकिन पिता और पुत्र में जो संबंध है इसको कैसे तोड़ा जाए? तो लड़का ही है, बहुत दिन बाद 20 साल बाद, जैसे उदाहरण भागवत से दे दे, प्रद्युम्न जी उसको उठा के ले गए, अब जब बड़े बूढ़े हुए उसका बाद मायावती उसको लेके आई, और सारे कृष्ण का जो बीवी है जितना सारे देखिए शर्म लग रहा है, इतना सुंदर दिखने में, क्या कौन है कृष्ण जैसा? नहीं नहीं नहीं, कृष्ण तो नहीं है, कृष्ण होने से बात्सल्य भाव कैसे आए? प्रद्युम्न को उठा के ले गए रुक्मिणी नंदन। ये भी कारण है, बहुत सारे लीला, प्रद्युम्न तो भगवान है उसको कैसे उठा के ले जाए, ये भी ठाकुर जी का जोग माया का लीला है, नहीं होने से बनता नहीं, चमत्कारिता। मेरा कहने का मतलब है अगर 20 साल बाद भी लड़का वापस आए तो खोया हुआ लड़का अगर वापस आए क्या संबंध तोड़ जाए? क्या संबंध खराब हो जाए? पिता और पुत्र का संबंध है लेकिन लड़का खो गया, ठीक है, ऐसा ही है। जीवों का अंदर में ये याद ही नहीं है कि ठाकुर जी का नित्य सेवक हूं मैं, ये दासत्व का अनुभूति जो है ये है छुपा हुआ है तो दास,
लेकिन भूल गया। वो रिलेशन को याद दिलाने वाले कौन है? मेरे संबंध ज्ञान द्व्याता गुरु जी है। इसको याद दिलाने वाले कौन है? मतलब यही गुरु जी है जो हमको दीक्षा का माध्यम यही याद दिलाना चाहता है कि देखो तुम्हारा काम एक ही है, कृष्ण सेवा करना। संबंध ज्ञान को परिपुष्टि विधान कर दे और अपने आप कृपा कर दे, कृपा करो वो दिया चिदबल, चिदबल दे दिया, कृपा कर दिया, उसका बाद पावर आया सेवा करने का इच्छा। बद्धो जीवों का अंदर में ऐसा पावर हो नहीं सकता। कैसे हो? बद्ध जीव जरा सा भी अलग रहे तो मजा मस्ती में फंस जाए, माया में। हम कार्तिक महीना अलग रहेंगे महाराज, अलग ठीक है, रहो रह के देखो क्या मजा है, पागल बद्धि है। जो लोग सिद्ध महात्मा हैं उन लोगों का अंदर में हर वक्त सेवा चलते रहते, हर वक्त नॉन स्टॉप सेवा, सेवा को कोई विराम नहीं है। दो तीन घंटा अगर विश्राम भी ले लिया उसमें भी अफसोस होता है कि तीन घंटा सेवा नहीं कर पाए। इसी स्थिति जो है ये है, निर्जन स्थान में रहने का क्षमता है फिर भी नहीं रहता। भक्तों लोगों के साथ हरी कथा कीर्तन में लगे रहते हैं, लिखा लिखी में दिन भर सेवा, कोई समय नहीं है। हजारों हजारों क्वेश्चन आए विदेश से, इसका उत्तर दो, उसको मनाओ, धीरे से प्रेम प्यार देके, समय कहाँ है? एक एक पत्र का उत्तर देने जाओ। शिला भक्ति माधव गोसाई महाराज के चरण में करोड़ों दंडवत, अनंत दंडवत। अरे महाराज जी का सोने का भी टाइम नहीं मिलता। हमारा सागर महाराज जी चले गए, नित्य जगत को पधर गए, बहुत प्यार करते थे मेरे भारती महाराज, सागर सारे, यही मेरा नसीब है। एक दफे सागर महाराज जी बहुत रात को गहरा आढ़ाई तीन बजे भक्ति तो माधो कुछ है पूरी है ना, यहाँ जो किसी मंदिर में कलकड़ा मठ में कहाँ याद नहीं मेरे को, बोला हमने महाराज जी को पूछा, महाराज अभी सोया नहीं? मरवा देखो इतना चिट्ठी आया, से चिट्ठी का उत्तर देना जरूरी है। गुरु का काम कर रहा हूं और लोगों का काम शुरू कर दे कैसे हो सकता, इसलिए ये सब पत्रों का उत्तर कब दे। हर वक्त व्यस्तता ही व्यस्तता, अभी इधर जाओ कब उधर जाओ, ये मनाओ वो करो वो कर, उस चलते रहता। अब हम सोचा कि आज ही पूरा पत्रों का उत्तर लिखे, चाहे नींद ना हो। सागर मां जी को देखा, ये सब महापुरुष का क्या काम, भक्ति पूरी, ओ बाप रे बाप, पूरा रात लिख रहा है, सोने का कोई विचार ही नहीं पूरा रात। अरे महाराज अब सोया नहीं, अब सोंगे, लिख खत्म, लिख हमारा लिखनी खत्म हो जाए, काल उसको देना है प्रेस में, अब सोया ही नहीं। ये लोगों के लिए संभव है। सिद्ध महात्मा का सिम्टम है जो हर वक्त अक्लांत हो, ये लोगों का टायर्डनेस जो है, टायर्ड टायर्डनेस नहीं आती, हर वक्त सेवा में लगे रहते। अब बद्धो जीव अगर ऐसा नकली करने जाए तो मरेगा, क्या करे? तो गुरु वैष्णव से कृपा लेना, इसको ही चिदबल, कृपा करो प्रभु दिया चिदबल। जब गुरु वैष्णव से भक्ति सीखेगा, दीक्षा हुआ धीरे धीरे, आचरण सीखे सब कर रहा है सेवा, धीरे धीरे चिदबल, चिदबल ऐसे नहीं हमारा पास करोड़ों रुपया है हम चिदबल मिल जाए ना, बाजार में जाओ कहाँ चिदबल मिलता है। संबंध ज्ञान का याद दिला देते हैं गुरु वैष्णव, जो खो बैठा अनंत काल के इतिहास में जीवों का बद्ध दशा का कोई ठिकाना नहीं चलता। कृष्ण भोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारी दे संसार आदि दुख, इस संसार आदि दुख दे रहे हैं। कृष्ण भोली से जीव, कृष्ण भोली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारी दे संसार आदि दुख। हमारा अर्जुन जी महाराज भी
ऐसा स्थिति है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक तो बोला है जी हम शरणागत है स्वाधीनम तम प्रबण्यम, फिर दोबारा बोल दिया हम युद्ध नहीं करेंगे। अरे तुम शरणागत हो, शरणागत मतलब जो सबमिशन है, तो तुमको तुम्हारा बोल के कोई चीज है ही नहीं। सबमिशन का मतलब है जो गुरुजी कहे वो मानना पड़े, और तुम अभी शरणागत हुआ अभी बोल रहे हो हम युद्ध नहीं करेंगे, कैसा विचार है? काल सब दिखाया। अब नेक्स्ट दूसरा श्लोक में ये बता रहे हैं, पहला श्लोक का सिर्फ और थोड़ा विचार है कि मानो कि भगवान कह रहे हैं कि ये सखे तुमको अगर हम ऐसा प्रश्न करें, तुम्हारा प्रीति प्रीति पात्र, अपना प्यारा प्यारा प्रीति पात्र जो है उसका जो मृत्यु दर्शन करने का बहाना कर रहे हो, इसमें तुम्हारा शोक उत्पन्न होता है, तुम कह रहे हो ना, ये प्रीतिरास्पद आत्मा है कि शरीर है? जो श्लोक पहले बहुत दिन पहले बता है, दो चार दिन पहले, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य, ये बताया ना, आत्मा का खातिर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, सेवा करते, कुछ भी करते हैं। आत्मा नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य, यदि अगर आत्मा ही तुम्हारा, जैसे सप्तम स्कंद में आता है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु अपना अपना माताजी और भाई बहू को विचार बना रहे, उसका अंदर में जो शोकाकुल हृदय, इसको शास्त्र वचन के द्वारा थोड़ा हटाने की कोशिश में है, वो सोचो वो सुर है। इसलिए हमारा केशव गोस्वामी कहते थे, भोपाल भी कहते थे, अरे डिविल्स कैन ऑल्सो कोट स्क्रिप्चर सो व्हाट, दैत्य दानव राक्षस भी समय समय पे शास्त्रों का विचार उठाता है, लेकिन शास्त्रों का विचार उठा के उसका अपना फायदा का विचार करता है, शास्त्रों का फायदा उठाकर अपना विचार को देखते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस। या यहां जो हिरण्यकशिपु विचार बना रहे, जो उशिनर देश की राजा मारे गए युद्ध क्षेत्र में, आ इनके जो पत्नियां हैं आ पहुंची और रो रही है, बचाओ बचाओ। तब जमराज जी महाराज बच्चा बन के, छोटी सी बच्चा बन के इनके सामने पहुंचे और शरीर को पकड़ कर रो रही है पत्नियां, कहां गए हो आप, अब चले आओ, उसी नरदेश खाली हो गया, कुछ नहीं रखा, हम भी मरना चाहते हैं, आप चला गया तो किस है, उठो 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 हे सामिन, उठो। और जमराज जी महाराज आ गए बच्चा बन के और बोलना शुरू कर दी, ऐसा कैसा है, इतना बड़े बूढ़े हैं, सो रो रहे हैं, हम बच्चा है, हम बेसहारा है, हमारा कोई नहीं है, फिर भी हम रोते नहीं है, ये क्यों रो रहे? तो ये जो पत्नियां हैं दिखना शुरू कर दी, बच्चा क्या क्या बातें कर रहे हैं, बच्चा बातें करे, देखो रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बोला हमारा पत्नी, हमारा जो पति देवता है उसी ने देश का राजा, ओ चले गए और बिना राजा हम कैसे जिए। बोले क्यों, राजा तो पड़ा हुआ है, किसके लिए रो रहे हो? पहले पूछा किसके लिए, बोले राजा के लिए। राजा कौन है, शरीर है कि आत्मा है? राजा तो पड़ा हुआ है तुम्हारा सामने, उठा के ले जाओ।
राजा तो तुम्हारा सामने ही पड़ा हुआ है, उसको पकड़ के तो रो रही हो, उसको उठा के ले जाओ घर में जाओ। बोले ना, तो राजा तो राजा चला गया, कौन है? तो फिर राजा शरीर है कि आत्मा है? अरे महाराज ठीक है, तो जो राजा जो आत्मा है वो आत्मा को आप देखे कभी? राजा का शरीर तो देखा, अरे राजा का शरीर तो देखी हो इतना दिन से? हाँ अभी तो देखे। बस तो फिर राजा का शरीर को देखी हो, लेकिन राजा जो आत्मा है, आत्मा है जो अभी चले गए आत्मा शरीर को छोड़कर, वो आत्मा को कभी देखे? नहीं नहीं। तो नहीं देखे तो क्यों रो रहे? जिसका पहचान ही नहीं है, जानते ही नहीं है, उसी ने दस का राजा मान के ये शरीर को ले जाओ घर में। अगर इतना बुद्धि है कि आत्मा चला गया तो शरीर क्या काम का है, तो ये विचार बनाओ ये आत्मा को कब देखा जो इसका लिए रो रहे? इसका ये जो रो रही हो आप, दिखाओ। बोलो ना देखे नहीं। ऐसा तर्क देके, विचार देके जमराज जी महाराज बच्चा बच्चा बन के उनके पास पहुंचे, और विचार जब बताया तो रोना धोना बंद करके आप अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था की। ऐसा करके आत्मा व आर्य द्रष्टव्य स्वतव्य निधि ध्यासितव्य, इसको कभी नहीं भूलना। ये भूलने से ही माया पकड़े। हर वक्त कोई मान करे, अपमान करे, कोई छीन लिया, कोई कुछ भी हो गया, रोने धोने का कोई चक्कर में मत जाओ। ये विचार बनाओ कि मैं आत्मा वस्तु तो देखा ही नहीं कभी, तो किसके लिए रोना धोना है? तमाम जगत से जितना सारे जीवात्मा है उसको हटा लो, तमाम राजप्रसाद खजाना सब रह जाए, आत्मा नहीं है, पूरा दुनिया से हटा दो, तो दुनिया क्या काम का है? दुनिया क्या काम का रहेगा? हैं, क्या काम का रहेगी दुनिया? क्या काम का अगर आत्मा नहीं है? तो आत्मा इज वन काइंड ऑफ डेकोरेशन। आत्मा नहीं रहे तो कुछ कीमत ही नहीं है। हीरा का कीमत नहीं है। मैंने 80 करोड़ रुपया दाम, 80 करोड़ तुम्हारा तो है ही है, लेकिन कौन लेने वाला? आत्मा वस्तु नहीं है। आत्मा नहीं है तो हीरा मुक्ति जो जवरत जो कुछ भी है क्या काम का? आत्मा है तभी तो काम। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो निधि ध्यासितव्यो, आत्मा का खातिर एक एक जीव दूसरे जीव से प्यार करता है, मोहब्बत प्यार मोहब्बत कुछ करता है, कुछ जो कुछ भी करता है, प्यार दुश्मनी कुछ भी करे, या आत्मा है तब, आत्मा नहीं है तो उसका। तो आत्मा वस्तु को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा आत्मा को आत्मा आत्मा वस्तु क्या चीज है उसको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बड़ा भारी कोशिश की। जो अर्जुन ये तुम्हारा क्या बात है, ये तुम्हारा जो बात है ये कि उसका कोई वैल्यू है क्या, क्या कीमत है? न तू एवा हम या तू नासम न त्वम नेमे जन जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये विचार को बताया। दूसरा श्लोक में अभी कह रहा है कि देखो भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, देही ने अस्मिन यथा देहे कौमारम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमयंती नमुझति। मुह्यंती ना बहुवचन नहीं है, मुह्यति। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमयंती। धीर व्यक्ति कौन है? धीर व्यक्ति मतलब जो जिसका पक्का बुद्धि स्थिर है, जिसका बुद्धि स्थिर है वही धीर है। अस्थिर किसका है? एक साधु गुरु वैष्णव छोड़ के वास्तविक पक्ष में कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत धीर।
ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि लेके हम क्या करें, विचार में उतारना बहुत मुश्किल है। जब भगवान कह रहे कि देहिनो अस्मिन, ये जो शरीर है, ये शरीर का अंदर में जैसा देहिनो अस्मिन जथा देहे कौमारम जोबानं जरा, जैसे बचपन में पैदा हुए हो उसके बाद धीरे धीरे पौगंड, उसका बाद कौमार काल, उसका बाद जवानी, उसका बाद धीरे धीरे बुढ़ापा, उसका बाद मौत का गोदी में ढल जाओ। यही तो इतिहास है, यही तो इतिहास तो यही है ना। भगवान युक्ति दे रहे हैं अर्जुन को, देखो ऐसा ऐसे जैसे शरीर में जैसे पैदा हुआ, पालन पोषण हुआ मेरा, बड़ा हुआ, पौगंड दशा धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती जौवन, कुमार जौवन, उसके बाद बुढ़ापा, ये तो चेंजेबल ना ये शरीर। बोले हाँ तो चेंजेबल है ही है ये शरीर। तथा एग्जैक्टली लाइक दैट, व्हाई नॉट यू अंडरस्टैंड, क्यों समझ नहीं रहे हो, ऐसा ही। तथा देहांतर प्राप्तिर, ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, जब जब बुढ़ापा आ गया तब तुम क्या करते हो, जवानी नहीं है, सब गया। ऐसे ही ऐसे चेंज होते रहता है और बुढ़ापा में धीरे धीरे मौत का गोदी में ढल जाता है, ढल जाते हैं आदमी। एग्जैक्टली लाइक दैट, तथा देहांतर प्राप्तिर, ऐसे शरीर से दूसरा शरीर को प्राप्त किया कोई जीवात्मा, इसमें धीर व्यक्ति कभी मोह प्राप्त तो नहीं होते। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र नमयति नमयति, कभी भी मोह प्राप्त तो नहीं होते धीर व्यक्ति। धीर का भी व्याख्या है, हर आदमी धीर नहीं बन सकता। जिसका बुद्धि ठिकाना में लग गया, जैसे उस दिन शोक बता रहा था ना, तावत शोको स्प्रिहा परिभवो विपुलश्च लोभो, ऐसा बता दिया उस दिन। जब तक ठाकुर जी का चरण में लगन ना लगे तब तक धीर स्थिर होने का कोई चांस ही है नहीं, कैसे धीर बने। हर वक्त बेचैनी, हर वक्त अस्थिर भाव बेचैनी है। ऐसा करके आम लोग विचार करके दिखाया कि सचमुच जैसे जड़ शरीर का अंदर जन्म लेना, पैदा होना, उसका बाद धीरे धीरे वृद्धि हुआ शरीर का, अवृद्धि होने का बाद बचपन से धीरे धीरे पौगंड दशा, उसका बाद धीरे धीरे आप पहुंचा जवानी पे, कौमार जौवन, जवानी के बाद बुढ़ापा, ऐसे ही चेंज होते रहता है। देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम जौवनम जरा, तथा एग्जैक्टली ऐसे ही देहांतर प्राप्ति, ऐसे ही देहो अंतर अर्थात एक शरीर छोड़ के जीवात्मा दूसरा शरीर को प्राप्त करने चले, तो इसमें भी क्या घाटा है, इसमें भी क्या शोक करने वाला चीज कुछ है। तथा देहांतर प्राप्तिर धीरा शत्रु नमयति, ये विचार महाराज, ये दूसरा स्कंद का, ये जो दूसरा चैप्टर का, ये पूरा का समझ में आए। विषाद जोग से लेकर ये सेकंड, ये दूसरा जो अध्याय है, समझ में आए तो जिंदगी में कभी भी शोक मोह कुछ नहीं, अज्ञान पूरा हट जाए कि लेकिन कोई सुने तब ना, कोई सुनने वाला है। अंतर से देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमारम जौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र नमयति, ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विचार बना रहे, समझा रहा है कि देखो आप अज्ञानी हो,
ऐसे सुख रहा कर रहे हो, क्योंकि मौत किसका नहीं है। एक जनानी एक बूढ़ी एकमात्र पुत्र मर गया, मरने के बाद पागल बन गए और शाक्य बुद्ध बुद्ध गया में शाक्य बुद्ध, ये हमारा भगवान बुद्ध नहीं है, शाक्य शाक्य वंशीय बुद्ध कीकट देश का बुद्ध अलग है। कपिल कपिल देवी दो है, एक अग्निवंशीय कपिल है हमारा कपिल जी महाराज, ये अलग चीज है। वे दूसरा जो है ये कपिल है त्रेता युग में अग्निवंशीय, और कपिल जी महाराज जो है भगवान वो अलग है। तो कब अभी बुद्ध गया में पता था सभी का ये बदि भिक्षु का नीचे भजन कर रहा है और जाके इतना रोया मरने वाली। तो बुद्ध जी आंखें खोले, क्या हुआ? बोला हमारा लड़का मर गया, हमको प्राण दे दो आपका शक्ति है, मैं जानता हूं आप लड़को बेसहारा बन गई मैं, कुछ कोई नहीं है मेरा। बुद्ध जी बताए कि देखो एक काम करो मैया, आप जिस घर में कोई मोद बोल के कुछ चीज नहीं है, शोक नहीं है, ऐसा कोई घर से आप थोड़ा मस्टर्ड सीड सरसे का दाना लाओ, तब हम बचा दे। मैया को ऐसा बोल के भेज दी। मैया पूरा गांव तमाम गांव घूमते एक घर भी नहीं मिली जहां कोई मौत दुख शोक नहीं है और सरसों का जो इंतजाम हो नहीं पाए। अब जब वापस आए तो रोना शुरू कर दिए, बोले रोने का क्या है, देखो ये जगत ऐसा ही है, ये जगत मर जगत है, मर्त जगत है, इसमें कोई भी एक घर नहीं बचा जिसमें मौत बोल के कुछ नहीं है, दुख नहीं है, शोक नहीं है, तो आप ला पाइए। बोला नहीं, कुछ घर नहीं मिले। बोला ऐसा ही है, बस करो, ये जीवन जिंदगी का यही नियम है, कोई चले जाए कोई रह जाए। जैसे हम यात्रा में हैं एक ट्रेन पे, जिसका जब स्टेशन आया तो उतर जाए, उसका सीन ड्रॉप, जैसे एक ड्रामा चल रहा है उसमें सीन ड्रॉप हो गया, वो अब ना आने का दरकार नहीं, सीन ड्रॉप हो गया। ऐसा ही है मित्तूर अत्यंतिक विस्मृतिर, ये विचार बना के रहो और फिर काल हम विचार सुनेंगे। मित्तूर जन्म बताम वीर देही न सहजायते अद्दो बाब्द सतांते वा मित्तूर वही प्राणी नाम ध्रुव बांछा कल्पत्र के पास सिंधु पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।